Hi guys, this is Akshay. Welcome back to my YouTube channel. I'm a lead guitarist in a band called Band Nakshatra. We're based out in Hyderabad. अगर आपको कोई Bollywood rock band की requirement है तो you can contact us here. So आप सोचते होंगे कि guitar case में सिर्फ guitar ही होता है, but ऐसा नहीं है. हमको काफी चीजें carry करनी होती हैं. As a musician, जब भी आप travel कर रहे हो आपके show के दौरान. आज इस video में यही देखते हैं कि एक guitar case में और क्या क्या चीजें होती हैं. Let's get started. चलिए पहले हम गिटार केस के बारे में बात करते हैं कि मैं कौन सा यूज करता हूँ. सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मोनो. इट्स अ मोनो वर्टिगो. सो ये कुछ ऐसा दिखता है एंड यहाँ पर मोनो का लोगो. और इसमें दो चेन है, जिसमें एक हो गया आपका मेन जिसमें गिटार आप रखते हो और दूसरा है जहाँ पर आपके सब एक्सेसरीज आएंगे. उसके अंदर भी एक छोटा सा है जहाँ पर आप अपने पिक्स और गिटार स्ट्रिंग्स जो भी छोटी छोटी चीजें आप वहाँ रख सकते हो. एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस गिटार का वो है इसका सोल. काफी स्ट्रांग है, जैसे कि आपके जूते होते हैं, जूतों का जो सोल होता है आपके नीचे का वैसी स्ट्रांग है. आप देख सकते हो पूरा रबर मटेरियल का है. अगर आप इसको जोर से भी नीचे अगर बाई चांस अगर छूट जाता है आपके हाथ से गिटार, ज्यादा आपकी गिटार पर इफेक्ट नहीं करेगा. काफी अच्छा है. 1.5 साल हो चुके हैं ये गिटार केस यूज करते हुए एंड ओवरऑल काफी बड़ी एक्सपीरियंस है इस गिटार केस का. बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी. जैसे कि एज आई टोल्ड यू कि मेरे को 1.5 साल हो चुके हैं, पर भी इसका जो चेन है, जो मेन चेन है, वो काफी स्मूथ है. अभी तक मेरे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया कि लैग हो रहा है चेन. काफी स्मूथ है और इसकी पैडिंग भी काफी अच्छी है, जिससे आपका गिटार भी बहुत सेफ रहता है. तो इसका प्राइस है 15,000. मैंने इसको ऑफलाइन स्टोर से लिया है. अगर आप ऑनलाइन देखोगे इनके वेबसाइट में तो समथिंग 18,000 दिखा रहा है एंड 15,000 मैच भी करता है इसकी क्वालिटी के साथ, जैसे कि आपने देखा. तो पहली चीज जो मैं कैरी करता हूँ वो है गिटार केबल्स. वाई टू, बिकॉज एक है इनपुट के लिए, एक है आउटपुट के लिए एंड ये है 6.35 mm जैक के केबल. और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने ओन केबल्स कैरी करो जब भी आप शो करने जा रहे हो, क्योंकि यू नेवर नो कि वो वेन्यू में आपको ढंग के केबल्स मिल रहे हैं कि नहीं. एंड इट्स ऑलवेज गुड कि आप अपने ओन केबल्स कैरी करो, तो आपके पास एक बैकअप भी रहता है. तो फर्स्ट प्लेस में अपने गिटार केबल्स. ओके, सो जो दूसरा आइटम है वो है हमारा गिटार स्ट्रिंग. ये आप सोच रहे होंगे कि गिटार स्ट्रिंग तो ऑलरेडी हमारे गिटार में है, क्यों हम लोग एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हैं. बिकॉज जब आप लाइव प्ले करते हैं तो आपके चांसेस होते हैं कि आपके गिटार स्ट्रिंग्स टूट सकते हैं. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैंने काफी स्ट्रिंग्स तोड़े हैं अपने शोज में. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड कैरी. आई बिलीव गिटार स्ट्रिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लेट्स से आपका गिटार स्ट्रिंग टूट गया तो आपको चेंज करवाए, तो उसके लिए भी एक चीज है, वो है हमारा स्ट्रिंग कटर एंड वाइंडर. तो आप सोच रहे होंगे कि हम इसको यूज कैसे करते हैं. तो इसमें दो पार्ट है. जो ये ऊपर वाला है, इससे आप अपने गिटार पेक्स को टाइट एंड लूज करते हो व्हाइल यू आर चेंजिंग योर गिटार स्ट्रिंग. और ये है गिटार स्ट्रिंग कटर, जिससे आप जब आपका गिटार ट्यून हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग बचती है उसको आप इससे काट सकते हो. एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट यू शुड कैरी विद यू. ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं इस गिटार केस को थोड़ा साइड कर देता हूँ. ओके, सो जो अगली चीज है वो है हमारा गिटार स्ट्रैप. तो आप सभी को पता है गिटार स्ट्रैप किस लिए यूज होता है. अगर नहीं पता तो यूजुअली ये गिटार को होल्ड करने के लिए होता है, जो कि हम ऐसे कुछ लगाते हैं, समथिंग लाइक दिस. तो स्ट्रैप्स तो आप कैसे भी ले सकते हो, बट मेक श्योर वो आपकी गिटार को अच्छे से होल्ड कर सके. और अगर आप अपने स्ट्रैप कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप एक स्ट्रैप लॉकर भी ले सकते हो, जो कि मैंने अलग से परचेज किया है. सो इससे आपका गिटार स्ट्रैप काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे कि आपकी गिटार गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो आप इन गिटार स्ट्रैप लॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. ओके, सो जो अगला आइटम है वो है इन ईयर मॉनिटर्स. इसका बेसिकली यही काम है कि जब आप लाइव प्ले कर रहे हो या हमें रिकॉर्ड कर रहे हो तो डायरेक्टली आपका जो आउटपुट है आपके कानों में आए. तो लाइव शो में जैसे कि स्पीकर्स होते हैं, फ्लोर मॉनिटर्स भी होते हैं, थोड़े चांसेस हैं कि आपको डिले साउंड आए कभी कभी. तो उसी टाइम मॉनिटर्स आपको हेल्प करता है कि आप जो भी प्ले कर रहे हो आपके वो डायरेक्टली कानों में आए विद ऑल योर बैंडमेट्स. जो भी आपके बैंडमेट्स से प्ले कर रहे हैं आपको अच्छे से सुनाई देगा आपके कानों. ओके, सो जो मैं यूज़ करता हूँ वो है KZ ZS 10 Pro, विच इज़ रियली गुड. मेरे को 1.5 साल हो चुका है इसको यूज़ करते हुए एंड काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलता है आपको व्हाइल यू आर प्लेइंग लाइव शोज, और अगर आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो तो आपको अच्छा फीडबैक देगा. सो इन ईयर मॉनिटर्स. ओके, सो जो अगला है वो है गिटार स्टैंड. दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड हरक्यूलिस. काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
मार्केट में आपको काफी स्टैंड मिल जाएंगे 400-500 में। दोज आर गुड फॉर ओनली अकोस्टिक गिटार्स। एंड आपके पास इलेक्ट्रिक गिटार है तो आपको इस चीज में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड ये मेरे को पड़ा था 2500 का, तो मैं अपने हर शो में लेके जाता हूँ क्योंकि आपको हर वेन्यू में गिटार स्टैंड नहीं मिलता। एंड आई नो आप सब अपने गिटार से प्यार करते हो तो आपको इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपका गिटार सेफ रहता है। और हाँ, मैं अपने साथ गिटार पिक्स भी कैरी करता हूँ क्योंकि वाइल्ड शो आप अपने गिटार पिक्स को खो सकते हैं, तो अच्छा है कि आप अपने साथ गिटार पिक्स भी कैरी करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि मेरे गिटार केस में मैं क्या क्या कैरी करता हूँ। एंड आई होप कि आप सबको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, एंड चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर म्यूजिशियन फ्रेंड्स। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। और जो मेन आइटम है इस गिटार केस के अंदर जो कि है मेरा गिटार, उसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप रॉकिंग।